कि आज उदित राज जी कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। उदित राज जी और मैं एक दूसरे को शायद 20 साल से जानते हैं और इनकी क्या शैली है, क्या इनकी सोच है, किस तरह से ये देश को प्रेम और प्यार करते हैं, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ था, थोड़ा बहुत दुख भी हुआ था कि बीजेपी ने इन्हें ले लिया था। आज ये बीजेपी से मुक्त हुए तो हम इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छा प्रूव करेंगे और हम इनकी वजह से बहुत सारी सीटें जो शायद हम ना जीतते अब जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी। और अब मैं आग्रह करूंगा उदित राज जी से कि वो स्वयं आपसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन हूज प्रेजेंस आई ज्वाइन कांग्रेस टूडे एट हिज रेजिडेंस। ऑफ कोर्स AICC सेक्रेटरी जनरल श्री वेणुगोपाल बजाल सुधे एंड स्पोक्स पर्सन एंड कंट्री नो सुरजी बालाजी, ऑनरेबल शीला जी, शी हैज़ अ नेचुरल अफेक्शन फॉर मी दैट आई नो। मैं आज कांग्रेस में शामिल हुआ और कांग्रेस में मैं 13-14 से ही आना चाहता था। राहुल जी इस बात को जानते हैं, परिस्थितियां ऐसी रहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि कोई चीज मैं झूठ बोलूं। अगर बीजेपी टिकट वहां से देती तो मैं वहां से लड़ता, लेकिन इसके वजह से एक बहुत बड़ी चीज निकल करके देश में आई कि बीजेपी कितना दलित विरोधी है। इंडिया टुडे ग्रुप ने सेकेंड बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परफॉर्मेंस में रेट किया। फ्रेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे ने बेजोड़ सांसद और श्रेष्ठ सांसद का खिताब दिया। बीजेपी में एक प्रचार है कि यहाँ सबको न्याय मिलता है, कार्यकर्ताओं को उस हथियार से बड़ा डिपर बड़ा धौंस जमाते हैं कि इंटरनल सर्वे जो कहेगा होगा। ये इंटरनल सर्वे इन्होंने 4-5 एजेंसियां हायर करी हैं, उसमें भी दिल्ली में मोस्ट पॉपुलर और विनिंग सीट वही निकल के आ रही थी। इनके पास क्लियर कट एक ही सीट निकल के आ रही थी नॉर्थ वेस्ट। आप चेक कर लीजिए इनके इंटरनल सर्वे को, अगर गलत निकल जाए तो भी इन्होंने मेरा टिकट काटा। वजह यह है कि 2 अप्रैल 2018 को जब दलित सड़कों पर आए, भारत बंद किया, तो मैंने उनका समर्थन किया। एट्रोसिटीज एक्ट जब खत्म किया गया था और वोस्टर पॉइंट, तो मेरी गलती यही थी कि मैं गूंगा बहरा नहीं था वहां पर। वहां गूंगा बहरा अगर कोई रहे तो उसको प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं, बीजेपी आरएसएस प्राइम मिनिस्टर भी बना सकती। मैं उदाहरण के साथ 20 मई 2014 को माननीय रामनाथ कोविंद जी बायोडाटा लेकर के मेरे यहां आए, इसके चश्मदीद गवाह बीजेपी के SC ST मोर्चा के एक विवेक सोनकर हैं, वो हैं, वो आकर के, मैं चैंबर में बैठा था, कहा कोविंद जी खड़े हैं, हम कहा लाइए भाई, मैं जानता था उनको।
तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरा भी कुछ कराइए। कोविंद जी को इस लायक भी नहीं समझा था 2014 में कि उनको टिकट देते जबकि वो टिकट चाह रहे थे। तो चुप रहने का इनाम देखा आपने राष्ट्रपति, और मैं चुप रहता तो हो सकता था मुझे प्राइम मिनिस्टर कभी न कभी बना देते। और दूसरी बात है कि SC ST और हर मुद्दे पर उठाए, ये नहीं कि मैं आइडियोलॉजिकली कोई कंप्रोमाइज किया हूं। 10-15 बार पार्टी के स्टैंड के खिलाफ गया हूं। अब मैं इनका ये बताना चाहता हूं कि जिसको घूम करके पूरे देश में दलितों को प्रचार करके वोट ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो दलितों को नौकरी देने वाला बनाएंगे। तो स्टैंड अप इंडिया में एक प्रावधान इन्होंने रखा कि हर बैंक से 1.25 लाख बैंक की ब्रांचेस इंडिया में हैं, एक दलित को लोन मिलेगा ताकि वो दलित लोगों को रिक्रूट कराए और जॉब दे, खुद आगे बढ़े, और एक महिला को। इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे के हिसाब से केवल 6%, लेकिन अभी वही प्रचार कर रहे हैं कि हम तो रोजगार बनाने वाला बता दिया दलितों को। ये केवल 6% अर्थात यह पूरा प्रोपोगंडा और धोखा है। 2000 राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो SC ST को मिलती थी हायर एजुकेशन का, उन्होंने ये खत्म कर दिया जो कांग्रेस सरकार की देन थी। शुरू का सब प्लान, शेड्यूल ट्राइब सबर्न प्लान श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक तरह से दिया गया था, प्लान का दर्जा दिया गया था। प्लान का दर्जा हटा करके जनरल बजट कर दिया ताकि ये जो SC ST के लिए पैसा दिया जाता है ये कहीं भी खर्च किया जाए, इनका उत्थान न किया जा हो सके। इसके अलावा 490 करोड़ का एक दलित हब इन्होंने 2016 में एस्टेब्लिश किया। बड़ा प्रचार किया कि दलित हमने हब बनाया 490 करोड़ का। अभी तक केवल पब्लिसिटी पर खर्च हुआ है 72 करोड़, बाकी सारा पैसा बचा हुआ है। ये इनके हालत है। मुद्रा बैंक में लोन किसको मिला? जो बिजनेसमैन थे उनके ड्राइवर श्रीकाश के थे, एम्प्लाई थे, हेल्पर थे, या खुद बिजनेसमैन देते, मुद्रा बैंक का फायदा नाम मात्र का दलितों का मिला है। और 38 वाइस चांसलर इन्होंने अपने टेन्योर में इन्होंने अपॉइंट किए, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, 38। और कांग्रेस की दरिया दिली कि कांग्रेस ने UGC का चेयरमैन भी बनाया था थोरात को। आज एक भी सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं, कांग्रेस के सरकार में कभी ऐसा नहीं था। और इसके अलावा इन्होंने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की दलितों से खरीदारी होगी, पॉलिसी 2012 की है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था। 0.36% ही दलित से सामान और सर्विसेज खरीदा गया है, जबकि 4% होना चाहिए था। ये जो पूरा प्रचार कर रहे हैं ये केवल प्रचार है आंकड़े के साथ, अगर कोई चीज इसमें गलत निकल जाए, ये सवाल आप खड़ा करें कि भाई आपने दलितों को तो बर्बाद कर दिया। और इरिपेयरेबल लॉस इसलिए हुआ कि 5 साल से भर्तियां बंद करके शेड्यूल कास्ट को खत्म कर दिया इस देश से। और यह नहीं कि मैं चुप रहा हूं, मैं संसद में भी उठाया हूं, कई बार उठाया हूं कि SC ST का पूरा रिक्रूटमेंट बंद हो गया है। ये मैं 10 बार उठाया हूं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए। किसी भी एक मुद्दे के ऊपर मंत्रालय में भी मैंने चिट्ठियां लिखी, सब पर चिट्ठियां लिखी हैं। तो इसको पसंद नहीं आया। बीजेपी को दलित वोट तो चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए जो
बोलने वाला होना चाहिए, इनको गूंगा और बहरा चाहिए। मैं ना गूंगा बहरा पहले था और यहाँ आकर के भी दलितों की भी लड़ाई ही लड़ूंगा। मैं 70 साल के रिकॉर्ड में, अगर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो तो मुझे बताइए कि मैं कभी भी दलितों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर समझौता किया था।